कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लॉकडाउन का मज़ा उठा रहे होंगे। मज़ा तो नहीं उठा रहे होंगे। तो आप सबों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो अगर मैं फ्यूचर में किसी भी नई वीडियो के साथ आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि जो लॉकडाउन का असर हमारे क्लासेस पर क्या पड़े, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर पड़ा है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ की यूनिवर्सिटी में चालू है, एडमिशन हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यहाँ में जो लॉकडाउन होने से यहाँ क्लासेस कैसे हो रहे हैं, और यहाँ कर किसी आप लोग में किसी भी जितने जो वीडियो देख रहे हैं या जिसको जिनका ये एम्बिशन है यहाँ आना, उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन सेरेमनी है जो कि लास्ट सेमेस्टर में मनाया गया था। हर एक सेमेस्टर के एंड में कन्वोकेशन सेरेमनी मनाया जाता है, बट इस सेमेस्टर में ये कन्वोकेशन सेरेमनी कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू लॉकडाउन। तो सारे स्टूडेंट इस इवेंट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और स्टूडेंट ही नहीं, उनके सारे पेरेंट्स एंड रिलेटिव भी इस इवेंट को बहुत मिस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ये इवेंट बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और सभी स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड होकर इस इवेंट को अटेंड करते हैं। आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप में से किसी का एम्बिशन है कि आप मैं यूएस जाऊं, पढ़ाई करूं, यहाँ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ कैसे आ सकते हैं, एडमिशन कैसे करा सकते हैं, अगर आपको इन चीज़ों के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे वीडियो पे कमेंट लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना मुझे हो पाएगा, जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा, मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं मेक श्योर करूँगा कि जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और जितना जल्द दे सकूँ ज़रूर दूँगा। तो जैसा आपको पता है कि आजकल लॉकडाउन का सिचुएशन है, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी लॉकडाउन का काफ़ी असर हुआ है। इस इन द सेंस में हुआ है कि हमारा जो, क्योंकि जब अभी मार्च से ज़्यादा लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो हमारा ये सेमेस्टर जो स्प्रिंग था वो अभी कंटिन्यूस था, चल रहा था, हमारे क्लासेस चल रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे क्लासेस चल रहे थे, हम क्लास जा रहे थे, ये यूनिवर्सिटी पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ था। बट आज के डेट में आपको यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट बंद हो चुके हैं, कहीं कोई नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई बंद हो गई है। तो जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास थे, बेसिकली जो भी क्लासरूम वाले क्लास थे, उसी टाइम आपको कन्वर्ट कर दिया गया ऑनलाइन क्लासेस में। बट बेस्ट पार्ट यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में क्या है, जो हमारे देश में अभी नहीं था, जो अब इम्प्रूव हो रहा है, कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास का सिस्टम पहले से अवेलेबल है। तो जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी ने सारे क्लास को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारा क्लास ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्लासेस स्मूथ चलते रहे। ओनली डिफरेंस ये है कि जो हम क्लास जाके फेस टू फेस प्रोफेसर से बात करते थे, पढ़ाई करते थे, अब बहुत सारे प्रोफेसर वेबएक्स के जरिए या स्क्रीन शेयर के जरिए आपको क्लास लेते हैं उसी टाइम में, जो आपका टाइम है, जितना क्लास का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आपका क्लास होगा, आप सवाल पूछ सकते हैं प्रोफेसर से, आपको पूरा चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। और बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पावर पॉइंट स्लाइड दे दिए हैं, आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन ही आपको प्रेजेंटेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये बात हुई आज के सिचुएशन में। हम जहाँ तक मुझे पता चला है कि इंडिया में भी अभी वो ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया, बट वहाँ चैलेंजेस ये हैं कि सभी के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, या फैमिली में मोर देन वन किड हैं, तो वो भी प्रॉब्लम है कि कैसे सारे बच्चे एक साथ काम कर पाएँ, एक साथ बेसिकली अपने असाइनमेंट पे काम कर पाएँ, कैसे असाइनमेंट सबमिट कर पाएँ, तो ये भी एक चैलेंज है अभी एजुकेशन सिस्टम का। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे फॉल सीजन है, क्योंकि तीन सीजन में यहाँ एडमिशन होते हैं, स्प्रिंग, समर एंड फॉल। तो स्प्रिंग अभी चल रहा है, समर सीज़न अब आएगा और फॉल उसके बाद आएगा। तो नॉर्मली समर में एडमिशन कम होता है, जो मेजर एडमिशन का सिचुएशन है वो है कि आपका स्प्रिंग में एडमिशन होगा या फिर आपके फॉल में एडमिशन होगा। तो एडमिशन का प्रोसेस जो भी है कि आपको, और जहाँ अगर आप इंडिया में हैं और यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं, तो यहाँ एडमिशन एडवांस में होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी सेमेस्टर शुरू होगा तो एडमिशन होगा, ऐसा यहाँ नहीं होता है। आप 6 महीने का, 1 साल पहले भी, 1 साल एडवांस में भी आप उस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो अगर आपको एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी का मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने एडमिशन के दौरान मैंने भी बाकी यूनिवर्सिटी से भी मैंने कॉन्टैक्ट किया था, तो उनके बारे में मैंने थोड़े इन्फॉर्मेशन गैदर किए थे, तो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ जितना मुझे अभी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि मुझे सारे यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बट जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है एज ए स्टूडेंट मैं आपको शेयर करूँगा जो आपके एडमिशन प्रोसेस होगा। और एडमिशन प्रोसेस ये नहीं है कि यहाँ पर एडमिशन होता है, क्लास इनरोलमेंट होते हैं तो उसके अलग प्रोसेस हैं, आपको प्रीरिक्विजिट कोर्सेस होते हैं, कौन से कोर्स आपको लेना है कैसे नहीं लेना है, दर इज़ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एडमिशन प्रोसेस है बेसिकली। एडमिशन के बाद इनरोलमेंट के बाद फिर आप क्लास शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वीज़ा की बात आता है, स्टूडेंट वीज़ा वगैरह कैसे मिलते हैं, तो इस वीज़ा वाले से डिस्कशन पर मैं अभी नहीं जाऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक नया वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे लगा सकते हैं, आप कैसे स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं US, तो ये सब डिस्कशन हम डिफरेंट वीडियो में करेंगे। बट आज के डेट में मैं यही बताना चाहूँगा भाई, ये हमारा ऑलमोस्ट स्प्रिंग का जो सेशन है वो ख़त्म होने वाला है, फॉल एडमिशन यूनिवर्सिटी में चालू हो चुके हैं। अगर आपको इंस्पिरेशन है कि मुझे फॉल सीजन शुरू होता है अगस्त में, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मुझे US आना है एडमिशन के लिए, तो फॉल का एडमिशन प्रोसेस ऑन गोइंग है अभी, आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में और आप एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए जैसे मैंने पहले भी बोला, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, जितना होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं आपको इस जो यूनिवर्सिटी के मैं कैंपस में हूँ, अगर आप मेरा बैकग्राउंड देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको आज डिफरेंट लग रहा होगा, ये जो मेरे चैनल के ओल्डर एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं उनको ज़रूर लग रहा होगा कि मेरा कुछ बैकग्राउंड डिफरेंट है। डेफिनेटली ये डिफरेंट है क्योंकि मैं अभी यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में बैठा हूँ। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ का स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर जहाँ आप स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं, वो आपको पीछे का हो सकता है दिख रहा होगा, वो सारे हॉल बने हुए हैं जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ ज्वाइनिंग बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं। तो मैं कॉलेज कैंपस के बिल्डिंग में बैठा हूँ, यही एक ऐसा बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग बेसिकली, एक ये बिल्डिंग और दूसरा हमारा लाइब्रेरी, यही एक दो बिल्डिंग है जो खुला हुआ है। बट भले ही ये खुला हुआ आपको एक इंसान नज़र नहीं आ रहा होगा ड्यू टू ये हमारा लॉकडाउन वाला सिचुएशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट बंद है, बाद में के सारे डिपार्टमेंट बंद हैं। हमारा जो प्लान था आप लोगों को मैं एक कैंपस टूर दूँ, आपको दिखाऊँ कि यहाँ के यूनिवर्सिटी हमारे देश से कितने अलग होते हैं, कितनी सुंदर है ये जगह, मैं अभी आपको क्या बताऊँ, बट मैं हाई लेवल ये बता सकता हूँ कि बहुत ही पीस है। अगर मैं नॉर्मली कैंपस लगाता हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के पास ही रहता हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी के एरिया घूमता हूँ, ग्रीनरी है, बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, पूरा शांत माहौल है, बड़े बड़े क्लासेस हैं, बहुत ही अच्छा लोकेशन है यूनिवर्सिटी का। तो मेरा प्लान है कि मैं किसी दिन आपको इस यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर दूं। वैसे तो हमने सोचा था कि जब क्लासेस खुले होंगे तो क्लासेस वगैरह भी मैं दिखाऊं, बट नॉट श्योर कि क्लासेस खुलने में अभी टाइम है, तो अगर डिले होगा तो हो सकता है मैं अभी जल्द आपको आउटसाइड यूनिवर्सिटी का जो बाहरी इलाका है कितना खूबसूरत है ये, उसका मैं आपको टूर दूं, और जब क्लास खुल जाए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊं, मैं दिखाऊं कि यहाँ के क्लासेस कैसे होते हैं, क्लासेस से पढ़ाई कैसी होती है, ये मैं आपको बता पाऊं। सो इन्हीं बातों के साथ हम आपके आज के इस वीडियो की समाप्ति करते हैं, और आपसे हम गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।